जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। धन्यवाद सहयोगी पद्मनाभ त्रिपाठी शर्मा। सुंदर भाव आहा बापरे कौन पैसा गणुचु ना कौन करुचु धन केते परिश्रम करुचु आप देखले महाप्रभु को देखला बेलू गोटे कर्मर प्रतीक आमको देखादे श्रेष्ठ कर्मी महाप्रभु श्रेष्ठ कुशली आशलर परिभाषा आपण मैंने देखुं उत्कलर विशिष्ट कारीगर मानकर कुशली कारीगर मानकर कला कौशल कीर्ति भव्य श्रीमंदिर वाह कि सुंदर दर्शन सौंदर्यमय महाप्रभुंकर दर्शन रे आमे वर्तमान देखुचे गामुछा खंडे कांधरे पकेइची सेमतिका खंडे जहाँ अधा सार्टटे पिंधि लोकटी लुंगी खंडे पिंधि अपेक्षा करिची कि आसिले तांको टिके नेइके जीवि सी भी ता पेट पाटणा पोषिब तार पेट पाटणा अछि देखुचंती आ महाप्रभु चका आखि आहा सौंदर्यमय यही चेहरा को दर्शन करदे मन पवित्र हो जाए धबल धबल शुक्रवार न पिंधिकी सुखिला सुखिला लगुला ना आज महाप्रभु भारी भल पिला महाप्रभु भाई भल पिला किए अच्छी हम मो कालिया भली जगा भली जगनी भली भल पिला किए अच्छी आसला बेलू आग देख ला ये आसिले याडू सेडू गुटे कह कहीं मुझे शुणा को जीवि बर पिंधि पकैया भल तेणु आज आगुआ पिंधा पिंधि व्यवस्था कर सारे आम कालिया धन खर्व ग्रंथ विमुक्त संधि विलसद वक्ष स्फुरत कौस्तुभम निर्जनाभि सरोज कुटक पुटी गंभीर साम ध्वनि पत्रावस्ती समुस्तुकेन बलिना सानंदमालोकितम ध्यायेत क्रमवर्धमान महिमा सर्यम मुरारे बपु सौंदर्य बपु सुंदर शरीर मुखमंडल चक्र माने महाप्रभुंकर चक्र भली नेत्र दुईटी चंद्र सूर्य नेत्र खर्ब काय हेले छोटिया टी देखा जाउचन कालिया धन छोटिया टी देखा जाउचे हेले भी भारी सुंदर ता भली सुंदर वास्तव रे ये सारा संसार रे केही नाहंती खाली सत्ति कि नुह बक्षस्थल रे सुंदर कौस्तुभ माला मध्य शोभा पाए वर्तमान बेश श्रृंगार महाप्रभुंकर चली ये बेश श्रृंगार रे आपण माने देखिबे कौस्तुभ माला ये सब साधारण माला नुहे कौस्तुभ मणि जो पुष्प हार सब लगे हेबे कौस्तुभ मणि ठारु आहुरी मूल्यवान एवं आहुरी रमणीय शोभनीय महाप्रभु धारण करिवे आउ पुणी खाली से येड़िकीटे बामन रूप से आप देखुं कौन करते जान करते कहले बलिराजा यज्ञशाल द्वार देश में गंभीर स्वर से जाकी कौन उच्चारण कले सामवेद तेणुक महाप्रभु सामवेद निजे कहते वेदाना सामवेदस्मी के सुंदर पुष्प धरी आउ देखी मानने बलि आनंद मन रे उत्सुकतार सहित संवर्धना जनईले आभली महाप्रभु वामन रूप धारण कर महाप्रभु आसुची आषाढ़ मास रथजात्रा वामन रूप को दर्शन करिवे आउ केते दिन रो अपेक्षा आपण माने कहले आम सबुदिन आपण मन पकाचु जय जगन्नाथ टीवी किछि न गल आपण तो काल तो काल केते दिन कहला आज केते दिन रहला आउ मात्र केते 42 35 केते दिन ठीक कहले 38 दिन अवधि आउ रही 38 दिन अपेक्षा रथ यात्रा आम देखा जय जगन्नाथ टीवी जय जगन्नाथ टीवी देखिए ना कौन देखिए ना ना सीधा कथा कहीं देखिए आम कहीं जय जगन्नाथ टीवी देखापी आपको अनुरोध करना विज्ञापन विरती देखिए कारण आउ जिते जहा सब विरती पूर्ण कितु ये विरती शून्य आज जो विरती ना से विरक्ति ना आपण को विरक्ति लगभग ना सब नीति कांति मानने निरवच्छिन्न भाव में आप देखा पाइबे जय जगन्नाथ टीवी केवल 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 बिना विज्ञापन विरति रथ यात्रा आउ मात्र 38 दिन अपेक्षा आपण माने दर्शन करने को पाइबे महाप्रभुंकर श्रीगुंडीचा यात्रा ठारु नै नीलाद्री विजय पर्यंत आउ मात्र अपेक्षा 38 दिन चाहू चाहू पलैब कही हेनी तेबे महाप्रभु आज धबल बेशरे धला रंगर वस्त्र परिधान करुछन्ते
आज बारटी शुक्रवार सुख समृद्धि बार शुक्रवार सुख समृद्धि प्राप्ति हेले शुक्रवार पुणी संतोषी माँ बार माँ संतोषी संतोष प्रदान करी समस्त को सुख समृद्धि बार शुक्रवार कदि शुक्र उच्च न रे गोटे सुंदर हाथ में धरी देखते तिलक हा चिता महाप्रभुंर देखी अरे वाह हरे कालिया मुहा तो मुहर चिताटा लगे दे तो सारा विश्व ब्रह्मांड ये ठूल हो गला भाई देखा जाऊँ कि धन कालिया धन तो लगि जाऊ ये जीवन रे कालिया धन ये कालिया धन सत्यरे कौन देखान जाऊँगी महाप्रभु को चिता लगे दे आश करदेलापर से आउ गोटे अपरूप बेस तेरे दर्शक बंधु सुख समृद्धि बार शुक्रवार आम निश्चित भाव श्रवण करवा ता पूर्वर आसतु जाणी नवा आज संक्षिप्त पंजिका आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि हाँ भल तिथिटे आज अष्टमी तिथि भितर चंदन आज ठारु आरंभ ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी ठारु भितर चंदन आरंभ केते दिन 21 दिन तेबे आज सूर्योदय 5:10:48 सूर्यास्त 6:17:24 सूर्यास्त मने रहिला 6:17:24 भक्त हाथ टेकी देउछन देखछन्ती केमदि महाप्रभु को केवल खाली बारंबार प्रणाम जणाउछन्ती तेबे आज दिन रे जो माने इहधाम परित्याग करिबे 7:09 पर जो माने मृत्युवरण करिबे एक पाद पुष्कर दोष लागिबो शांति करणीय आज नवमीर एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध तिथि अष्टमी नवमीर एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध काहीकि अलग कथा से किंतु आपण माने जो माने नवमी रे इहधाम परित्याग करिथिबे से माने आज श्राद्ध देबे आज नारिकेल बा नड़िया भक्षण निषेध एवं दिन 9:59 पर अलाबू अर्थात अष्टमी नवमी आज दुईटी मिश्रण रही अलाबू माने लाऊ भक्षण आज निषेध तेबे आसंतु जानिबा आज कौन शुभ बेला अच्छी दिन 11:35 ठारु 1:59 मध्य आज शुभ बेला आपण माने पाइबे हाँ भलस 11:35 गोटे बाजी और 2 पर्यंत जाण आउ कौन तापर सूर्य अस्त ठार रात्रि 8:43 पर्यंत आपण मैने शुभ बेला पाइबे पुणी राति 1:32 ठार 3:56 मध्य शुभ बेला प्राप्ति हेबे एवं पुनः राति 4:45 ठार 5:11 पर्यंत शुभ बेला पाइबे आज तो शुभ बेला भल अच्छी सुख शांति बार आज निश्चित सुख शांति प्राप्ति हे आज शुक्रवार तापर महेन्द्र बेला अच्छी प्रातः 5:59 अर्थ सूर्योदय पर 5:59 6:57 भितरे आपण महेन्द्र बेला पाउछन्ते पुणी 9:11 9:59 मध्यरे ये तो थिला शुभ बेला महेन्द्र बेला एबे आसंतु जाणी नबा 12 जाक राशिंकर संक्षिप्त राशिफल अपेक्षा कर रही तो किए कड़े ना पूरा एकदम साइलेंट टिके टीवी रो वॉल्यूमटा टिके बढ़े दिंतु टिके बढ़े दिंतु काले कौन गोटे कड़े खड़खड़ शुभ ए बर्तमान नाकु आसी धरले ये कौन बाबा ये कौस्तु बाहर केड़े सुंदर सुंदर धवल पुष्प शुक्ल पुष्प राशिचक्रर प्रथम राशि मेष राशि कौन आज अच्छी मेष राशि व्यक्ति विशेष मैंने चाहते कहले खुशी होना दुख करेंगे जहा तो हल्के चिंता करूँ आज आनंद उत्सव दिन टी अतिवाहित हो वृष राशि आज सुख सम्मान प्राप्ति हे सुख सम्मान कौ आज पतित पावन ध्वजा उड़ी जुआड़े जीवे आपणकर जशगान समस्ते कीर्तिगान करेंगे महाप्रभु दयारु वृष राशि व्यक्ति विशेष कि मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मान को आज सावधान करात चंद्र अच्छी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मैंने आज टी आलस्य परायण देखादे आउ सिंह राशि मन प्रसन्न रहिबो आजि एवं सिंह राशि मन प्रसन्न रहिला परे कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने टिक आज दुर्बल मना अनुभव करिए मनटा तांकर टिक दुर्बल रहिबो त
तुला राशि आज नीरव द्रष्टा साजिबे जानी सुनी जेबे चेई सोई थीब कही बिका आगे आउ आ महाप्रभु सब जानुथिबे चेईकी सोइथिबे आ से किछि कहिबेनी सेना सोइबा लोक को उठै पारिबे जे जानी सुनी कि चेईकी सोइथिबो ताकु के उठैबो तेणु जो व्यक्ति विशेष माने महाप्रभु से माने दुर्बल मना टिकै जानती तो नीरव द्रष्टा हुवंती नीरव द्रष्टा माने चित नीरव रहिबे कोन बिछा राशि आज बाद विवाद रे छंदी हेइ पारंती धनु राशि आज अक्लांत परिश्रम कला परे फलप्रसू हेबो मकर राशि कार्य विलंब देखा दे पारे धैर्य हरा हुवंतु नाही कुंभ राशि आज सुख सम्मान लाभ करिवे मीन राशि व्यक्ति विशेष माने शरीर प्रति टिके जाग्रत रहिबा दरकार विशेष करी गुड़िए थंडा पानी ढक ढक पी न देई झाल रे जदि कोड आसीथिबे झाल देहरु मल्ला परे आपण जलपान करंतु ता नहले आज देह पीड़ार जोग अछि तबे दर्शक बंधु ये तो थिला 12टी जाकर राशिंकर संक्षिप्त राशिफल सहित आज संक्षिप्त पंजिका एबे आसंतु 12टी केड़े सुंदर 12 आज शुक्रवार सुख समृद्धि 12 आज सुख समृद्धि प्राप्ति हेबे शुक्र भार्गव गोत्र जह सचित निव पूर्वामुख पंचको अनेन्द्रस्थ घट गोपति खलु महाराष्ट्रेण औदुम्बरी इंद्राणी मघवा सुरौ बुध शनि मित्रे रविंदु अरी षट सप्ताभ्र कुवर्जित भृगुसुत कुर्वन्तु नो मंगलम शुक्र महाग्रह घटो आशीर्वाद आम पाइबा शुक्र पूजा कारण जे भार्गव गोत्र जात भृगु ऋषि संतान जहांकर शरीर मध्य श्वेत वर्ण महाप्रभु ये आज धवल वस्त्र परिधान करे पूर्व मुख ए महाप्रभु देखुना केमी पूर्व को मुख कर पूर्व मुख कर महाप्रभु जिते जगार जगन्नाथ मंदिर पतित पावन मंदिर दधि वामन मंदिर समस्ते पूर्वामुखी पूर्व को मुख करेंगे आए पंचकोण से अवस्थित एवं कुंभ वृष राशि अधीश्वर शुक्र महाराष्ट्र रे जहांकर जन्मभूमि जन्म कौटी ना महाराष्ट्र रे एवं जहांकर समिध यज्ञ डमरु एवं इंद्र जहांकर अधिदैवत सची जहांकर प्रत्यधिदैवत बुध आउ शनि होचंती शुक्रंकर मित्र रवि चंद्र तांकर शत्रु एवं षष्ठ सप्तम स्थान रे जिए शुभ जदि षष्ठ रे शुक्र रहिले शुभ सप्तम जिते बड़े शुक्र आसीजे कौन सी प्रकार विवाहर हो पार अटकी थी ताहा सही समय रे ही पूर्ण हो तेणु से ही शुक्र महाग्रह आम मानकर मंगल विधान करंतु यह महाप्रभु श्री जगन्नाथ प्रतीकात्मक विग्रह पतित पावन महाप्रभु मुखारविंद को दर्शन करी अगणित जगन्नाथ प्रेमी मान को आम जय जगन्नाथ टी परिवार तरफ रु हार्दिक अभिनंदन एवं महाप्रभु समस्त मंगल विधान करंतु यह श्रेष्ठ भक्ति निवेदन दुईटी दृश्य आपण देखुं गोटे पटे मंदिर देखुं महाप्रभुंर पता उड़ू तांगे पुणी गोटे गच्छ अच्छी सुंदरिया गच्छे इपटे महाप्रभु मंदिर भितर पतित पावन माना देखुले पतित पावन ठाकुर को देखुं तेब ये गोटे कथा आसी महाप्रभु जे श्रीमद भगवत गीता दशम अध्याय को जदि आम जीवा विभूति जोगरे 37 श्लोक रे कहंती महाप्रभु निजे गोटे सुंदरिया गली टे या भितरे को को देखिले 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 गच्छटी अच्छी केमिति गली रु आसुची ये दृश्यटी अति सुंदर दृश्य आपण देखुछन अरे वाह कौन देखान जाउची ये गली रे एपटे मंदिर पूरा आपण देखिले छताटी अच्छी गली टे अच्छी आउ यही गली भितर एपटे कौन परिवापत्र सब थुआई कौन बाबा परिवापत्र सब रखीच हाँ कौन सचिंद्रावड़ा लंबा लंबा है सजना छुई सब रही केते सुंदर सुंदर परिवा सब थुआई हाँ पुणी मंदिर महाप्रभु मंदिर दर्शन मिलूची ये कौन अति सुंदर रिक्सा टे जे व्यक्ति विशेष ये सुंदर भाव में बस ये गली कड़े सुंदर गली टी नाई कि गच्छटी
ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗଳି ପୁରୀରେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିତରେ ସାଇ ଭିତରୁ ଗଲାବେଳୁ ଏବଂ ଏପଟେ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଗଳି ଇଏ ପାଣି ଟାଙ୍କି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସାଇ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ନୀତି ହୁଏ ଏମିତି ସିଧାରେ ପାଣି ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ସେପଟକୁ ଗଲେ ବାସିଳି ସାହି ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଏଇ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ସିଧା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବେନି ଆମର ଏ ସାହିରେ ଗଳି ତେଣୁ ଏଠି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାହି ସବୁ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏଇ ସାହି ଏଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବେ ପତ୍ର ପାବନ ଦେଖିବେ ଦେଉଳକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଧନ୍ୟ ନୁହଁ ତେଣୁ ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ପରିବା ପାଇଲେ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନହେଲେ ରୋଷେଇ କେମିତି ହେବ କେହି ଏତେ ବାଟ ପରିବାପତ୍ର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ଯାଆନ୍ତିନି ଏ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପରିବା ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଇର ଦର୍ଶନ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତି ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ମୁଁ ବୃଷ୍ଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଣୀ ବଂଶ ହେଉଛି ଯାଦବମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟିଏ ବଂଶ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ବାସୁଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ ସଖା ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଧନଞ୍ଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ଯାହା ମୁଁ ସେଇଆ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କୋଣଟି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ଆମେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣ ଏଇ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ଯାହା ପରିବାପତ୍ର ଯାହା କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି ଭଲ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଥୁଆ ହେଇଛି କ'ଣ ତେଣୁ ଏଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ମୁନିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି ବେଦବ୍ୟାସ ଏବଂ କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଆପଣ କହିବେ ଭଲ କଥା କହିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଦୃଶ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏପଟେ ଆହୁରି କିଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପହାର ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି ବୃଷ୍ଣୀନାଂ ବାସୁଦେବୋସ୍ମି ପାଣ୍ଡବାନାଂ ଧନଞ୍ଜୟ ମୁନିନାଂ ଅପ୍ୟହଂ ବ୍ୟାସ କବିନାମୁସନା କବି ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟର 37 କ୍ରମାଙ୍କର ଶ୍ଳୋକ ଇଏ ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଶୁକ୍ରବାରଟି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାର ନା ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ର ଶୁକ୍ର ଭାରି ଚତୁରିଆ ଗ୍ରହ ଭାରି ଚତୁର ଭାଗବତରେ ଅହମ୍ ୟୋଗାନାଂ ଚ କ୍ରେତମ୍ ଧୀରାଣାଂ ଦେବଲୋସିତଃ ଦ୍ୱିପାୟନୋସ୍ମି ବ୍ୟାସାନାଂ କବିନାଂ କାବ୍ୟ ଆତ୍ମବାନ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଷୋହଳ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା 28 ମହାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଯୁଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଏବଂ ବିବେକୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହର୍ଷି ଦେବଳ ଏବଂ ଅସିତ ବ୍ୟାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିପାୟନ ବ୍ୟାସ ଏବଂ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମନସ୍ୱୀ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସନ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ଭଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ କମ କି ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ସନ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତକୁ ଟୀକା କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଇବେନି କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ମୁହିଁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା କମର କଷିକି ଅଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରି ଖରା ବି ହେଉଛି ନା ତେଣୁ ଛାଇ ପାଖରେ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ମଠ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାର ମଠ ଇଏ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବାରୁ ସେ ମଠଟିର ନାମ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ ଭଲ ମଠଟିଏ ମଠ ସଂସ୍କୃତି ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ ତେଣୁ ସନ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁହନ୍ତି କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ମୁହିଁ ମୋ ରୂପ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁହି ମୋ ରୂପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ନିଜେ ଅର୍ଜୁନ
गामुछा खंडे कांधे पड़ी यज्ञ पवित्र देखुं सते जमी सुवर्णर पईता नारद जिते सत्ययुगर अवतरण करुले तेणु सत्ययुगर समस्ते सुनार पईता पकाते मन को कौन भल श्लोकटे सुवर्ण सूत्रा कलिता धरांबरा पीतवास सहतनु सीतिवास पीतवास नुह सीतिवास सहतनु के सुंदर कथा आसी तेणु सत्ययुग को सुवर्ण युग कहुए हाँ उत्तर पार्श्व मठटी गोटे सुंदर बोर्ड फलकटा आउट भल कि बोर्डटा पाखक आस एत दूर एड़िकी एड़िकी देखे आर उत्तर पार्श्व मठवा लेखाई समस्ते देखुं लोक मैंने देखिपारे ना जदि देखा हाँ आ ना से कहला से सब छाड़ ए महाप्रभु चका आक देख चका आक देखीदे सब चक्र एकाठी आसिक गोटे केन्द्रबिंदु पहुँची बेस होम कालियान तेब एटी गोटे जिनस आसे जे बृहस्पति भली बृहस्पति किए से देवगुरु बृहस्पति देवता मान गुरु शुक्राचार्य महर्षि कपिल अन्य एक भग्नी ख्याति भिणई जे कि भृगु प्रजापति जन्म नहीं शुक्राचार्य विभूति जोगर मध्य उभय पिता पुत्र अर्थ भृगु एवं शुक्र जड़े महर्षि श्रेष्ठ एवं जड़े आचार्य चूड़ामणि रूप से वर्णना करे शुक्र पाखे अच्छी कौन ना जे जीवनदाता विद्या यही आश्चर्य रूप से यह महान रूप से वर्णना आचार्य रूप से वर्णना करीवनदाता रूप विद्या मान कौन ना संजीवनी विद्या जहाँ मृत्यु संजीवनी से विद्या को सी हासिल कर तेणु प्रभु विरोधी केन्द्रिक प्रत्येक जीव राक्षस असुर दानव इत्यादि पदवाच्य खल मानकर से थिले गृह शिक्षक एवं परामर्शदाता ये गला ओलटा महाप्रभु निजे तुम्हें जाओ से पाखे रही हो तेणु महाप्रभुंर ये तो ही गरुड़ साप गरुड़ खेल के सुंदर देखुं नाक चणाटी लगे नाक चणा मत जिते जहाँ कहते नाक आसी लगेदे थोर अस्त भले लगुच नाक चणाटी गोलिया रही उपरटा ता तलू पुष्प लंबिक रही हाँ के बढ़िया देखा जा तेब आउ गोटे कथा आपण मैंने देखिए जेतेबेले शुक्र को कथा दुई प्रकार आसे जड़े शुक्र आ जड़े शुक्राचार्य शुक्र पुणी किए से जड़े ना से जड़े जक्ष विशेष जक्ष जड़े शुक्र धनपति कुबेर सचिव शुक्र रावण निजर सावत भाई धनपति कुबेर ठार पुष्पक विमान पाइबा कैलाशुद्ध कर रावणर भाई कुबेर नुहे कि विश्रवांग नंदन कुबेर होती विश्रवांग नंदन रावण विश्रवांग नंदन तेब रामायण रत्नाकर गर्गवटु सुंदर वर्णना कर देखी धनपति धरी गदावर पौषपद शुक्र दुई सचिव ताहकु संगरे धरी बाहर होइले खंडे दूर जाही दश ग्रीव को देखिले कुबेर और रावण युद्ध लगी समय रावणर युद्ध कौशल शुक्र भयभीत होवार लक्ष्य कर कुबेर तांकु गाली देवारु से लज्जित हो रणक्षेत्र परित्याग करथिले उत्तर द्वार कि द्वार ये विशाल द्वार विस्तीर्ण द्वार गोटेपटे उत्तर द्वार गोटेपटे पूर्व द्वार दृश्य दुईट दृश्य जय जगन्नाथ टीवी रे सीधा प्रसारण रे आपण माने दर्शन करुछंती रथयात्रा पाखे पाखे आसुची भितर पूरा गहल आसी जिवा मात्र 38 दिन अपेक्षा तेणु आम बारंबार आपण मानक मन पकई दूचु रथयात्रा दिन जमी कहीं कड़े घर बाहर की जीवे आउ 38 दिन अपेक्षा तेबे जेतेबेले लज्जित होकर रणक्षेत्र परित्याग करथिले शुक्र जे कि सचिव कुबेरंकर सेठी भल से रामायण रे रत्नाकर गर्गवटु वर्णना करछंती लज्जित होइण मंत्री माने रण तेजी निवर्ती रहिले जे जहार चक्षु बुझी कारण रावण बर पाई तेणु शुक्राचार्य गोटे नामांतर सी होती ग्रह विशेष जो आम नवग्रह आराधना करुचे से शुक्राचार्य जदि टी आम परिचय देखा तेल सी होती दैत्यगुरु पिता महर्षि भृगु झी दुईटी कन्या किए से
ना आपण जानिछंति कच्च देवजानी कथा देवजानी एवं अरजा शुक्राचार्यंकर पुओ मध्य दुईटी से माने हेले संड एवं अमरक देवगुरु बृहस्पति पुत्र कच्च शुक्राचार्य निकटर मृत्यु संजीवनी मंत्र शिखी देखिले कथाटी एटी एपटे ये देवगुरु बृहस्पति दैत्यगुरु शुक्राचार्य गोटे गाड़ी रे कौन सब आसी उत्तर द्वार पटे सब अनलोड हो कौन सब आउल आपण मैंने कहे कौन से हाँ चाउल ए चाउल कथा मन पड़ेगा कौन चाउर चाउर आई चाउर ना चाउल हाँ आ सारे पढ़ाते गोटे पिला को बाड़े कहला मे सारे माइले अरे कहीं माइले ना मत कहले चाउर कहवा चाउर कहली हाँ मत माइले चलु से मास्टर कड़े साहस मो पु दिए रात दे चलु पचार सारे पाक आसी पहुँचिले हए मास्टर तुम्हें कहीं मो पा मारल ता मुह कान सब नाली पड़ जा ना कौन तो पिला को मारी देखते उत्तर द्वार के नटवर नागर कृष्णकर कहले तो पिला को कौन मारि तो पिला को तो चाउर चाउल को चाउर कौच कौन करी ना चाउल को चाउर कौच हरिपु ते चाउर कही कह सारे कहे हाँ माँ मोर बोले आ तो पिला को मारि कौन तो पिलाटे हाथ आउ देवी जा लो माँ जा मन पड़गला चाउल आसी तेबे जेतेबेले बली राजा बामन रूपी श्री विष्णु को दान देवाई शखरे जल टेक शपथ करुवा कथा कही से समय शुक्राचार्य कौन कले ना शखरंध्र भितर मूप पहुँचिकी बंद करदे अर्थ कौन ना शिष्य को रक्षा करने गुरु तक जीवन प्रति चिंता करती अरे भगवान को विरोध करवा ये दुनिया किए अच्छी कहीं ना कि एक जाणी गोटे क्षुद्र मक्षिका रूप मछी रूप से शखरे जल टेकिला बेलू मुख पाखे रहीगले जोटा कि आज जल आसलानी बामन देखिले तो भगवान बामन कौन कले ना कुशाग्र से कुशटी को आणिकी शखरंध्र परिष्कार करने सीधा सड़क टे खोबीदे जो खोबीदे ठीक आखिरे जाजिला तेणु शुक्राचार्य कौन है अंध हो गले गोटे आखि महाप्रभु फुटेदे ये होची से ही शुक्राचार्य कथा शुक्र ग्रह और दंडक देश राजा दंड शुक्रंकर अरजा नामनी कन्या को बलपूर्वक घेनी जीवा फल शुक्रंकर सापरे से राजा मध्य भस्म हो जाइले आउ जो जगार भस्म होते से जगह एमती देखुंत विराट बड़ बड़ देवल से जगार जीए पहुँचब से दंड पाइब बोली से स्थान नाम हो गला दंडकारण्य गोदावरी तटे गोदावरी तट दिने गोदावरी तीरे भ्रमुला नारी धीरे मनुष्यर पाद चिन्ह देखी उच्छन जे आ स्थान को भगवान श्रीराम पहुँची दंड छाड़ी जहाँ माँ जानकी को अपहरण करूँ रावण नहीं सुर्पणखा प्रवेश कर दंडकारण्य तार मूल हूँ किए सिना शुक्राचार्य राजा जजाति शुक्र कन्या देवजानी को बहुत कर एवं शुक्र रावण ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजित को दुईटी अक्षय तुणीर प्रदान करे इंद्रजित द्वारा बा मेघनाद जहाँ को कहते सातोटी महाजज्ञ कौटी ना लंकार निकुंभिला वट मूल निर्विघ्न यज्ञ समापन कर सारे से हुमाग्नि देवदलन स्यंदन व अक्षय तुणीर उद्भूत होता किंतु सेठार सिना आसी शुक्राचार्य इंद्रजित द्वारा जो करेथिबा यज्ञ से करिथिले सेतरे बड़ सुंदर कथा रामायण रे रत्नाकर गर्गवटु वर्णना मध्य करिछंदी करिलाणी तुम पुत्र सात गोटी यज्ञ सेमानक नाम अश्वमेध अग्निष्टोम बहु सुवर्ण कब इष्टम्ब राजस्वय गोमेध जे माहेश्वर श्रद्धा पुण्यमय तेणु इंद्र कन्या जयंती सहित शुक्राचार्य पाणी पीड़न होता बोली वर्णना आसे किंतु से जो यज्ञ थिला संपूर्ण भाव में पूर्ण हो पारिनथिला कौन पाई हो पारिनथिला ना तक हनुमान भांगी देते इंद्रकर निकुंभ जो इंद्रजित निकुंभिला बट मूल जहाँ को जो यज्ञ करुले बटे लंका भूतले अबटे लंका स्थले जात जात बेदरे होम बिहि अज रुधि पूर्ण मनोरथ जहाँ को बिहि अज रुधि
पूर्ण मन रथरे जहाँ निकुमिला बट मूल पूर्ण मन रथरे जहाँ को रथ देव दलन नाम जदि यज्ञ टी सफल होता तेल देवदलन रथटी पाई इंद्रजित जदि से बस युद्ध करता मारिपारी न था जहाँ को हनुमान मांगी रामायण दुई थर चारोटी यज्ञ कथा आसी दुईटी यज्ञ सफल होती दुईटी यज्ञ विफल होती गोटे रामायण आसी जो यज्ञ प्रथम दक्ष यज्ञ ताकु ध्वंस कर शंकर भगवान ए बापु पु मिसी सब खेल कर शनिवार कौन आग शंकर भगवान ध्वंस कर से यज्ञ आ पुत्रिष्टि यज्ञ जहाँ सफल होती महाप्रभु अवतार होपर गोटे धनु यज्ञ जहाँ सफल होती धनु सिना भांगी किंतु ये भांगे पूर्णता आसी महाप्रभु पाणी ग्रहण कर एठी तीनोटी यज्ञ कथा सरला आउ गोटे यज्ञ इंद्रजित जोबले से यज्ञ को पालन करी हनुमान जाकि भांगी एक विभीषण जनईदे तेणु महाभारत प्रसंग को जदि टिके आम आखि पकईवा तेल से लिखा जाए ओडिया महाभारत आउ जहाँ कृष्ण सिंह वर्णन कारण महाभारत सारला दास महाभारत सारला दास कृष्ण सिंह महाभारत शुक्रंकर चारोटी पुत्र किए किए ना त्वष्टा धर अत्रि एवं ख्याति भल वर्णना कर शुक्रंक ठारु चारि पुत्र जात हेले तहिरे त्वष्टा धर अत्रि ख्यात लाभ कले महाभारत कथा तेबे एठी गोटे कथा आसी ये जिते सब जाऊ शुक्रंकर वर्णना शुक्राचार्य कथार एक श्रेष्ठ कथा आसे गुरु शुक्राचार्य जे कि दैत्य मानकर गुरु एवं वैदिक साहित्य रे से एकमात्र बा अनन्य गुरु शुक्राचार्य हिंदू शास्त्र रे आपण देखिबे कविंकर कवि मध्य तांकरी वंश रे परशुरामकर अवतार हेतु परशुराम को भृगुपति कहा जाए भृगुपति परशुराम वंशर सी तेणु पिता महर्षि भृगु सार्वजनीन बांगमयतार प्रसिद्ध संस्कारक हेतु तांको पांडित्यर प्रभाव शुक्रंक उपरे जथेष्ट प्रभाव पकेतिला तेणु शुक्र जे कि पांडित्यर अग्र अधिकार करथिले बड़ा सुंदर दर्शन है महाप्रभु कि सुंदर नेत्र छटा जुबा मीन धरा बड़सी कंटा सजनी रे से तो सती की करे कूलटा सजनी रे किए कड़े सती मैंने कूलटा होता बोधे देखिए आम आस खजा खाई दबा आ खजा खंडे पटे पकड़े सकाल सकाल मुह मिठा हो भल मजबूत अच्छी मो दात टी मजबूत ना देखी हाँ बढ़िया खजा बढ़िया देखा जा कंजी रही नि पिले निस आज आस आस खजा खाइब आम ये गजपति राजा महाराजा सेवार स्थान एटी आउ एटी कौन जमी कहती रजा खजा अपूर्व पूरी रे खजा प्रसिद्ध ए जो श्रीक्षेत्र पूरी आप देखुं एभली खजा अगर कौ जगार देखा पाइबे गोटेपटे महाप्रभु ना महाप्रभु टे बेस हो गले प्रसाद पाइबे ना महाप्रभु ये कह ना से खजा फजा मुझे फल खाइबि कदमी अंगूर एप्पल ये सब आग खाइबि फल हौ महाप्रभु कौन इच्छा हे मुझे देखे सारे तो खजा टिके महाप्रभु खंडे खजा हौ मैंने खजा गजा लड़ू बर्फी भाई खाई खाई काटी दिखती जितेबाला रथजात्रा दिन आउ 38 दिन अपेक्षा रहा रथजात्रा महाप्रभु जितेबाला रथ को आसबे से कौन करेंगे कि केवल खाली खेचुड़ी टिके सका दोपहर खेचुड़ी टिके खाई आसवे तापर कौन करेंगे आउ खाइबा पीवा भोक शोष सब भूली जी केमी भूली जी आ रथ उपर तो बसिले दिए मंदिर भितर छर खाया लोक से खाली खजा गजा लड़ू बर्फी फल एमती सब तो जहाँ खाइले कौन बर्फी मान जगन्नाथ वल्लभ बर्फी भाया देखा जाए जगन्नाथ वल्लभ ना ना वल्लभ सी स्वतंत्र गोटी ये सब खाइले कौन करेंगे राति सारा से एमती रथ उपर चाहिए रही थे भक्त पचे के शपड़े कि महाप्रभु शोबे राति सारा राति में भक्त शोपड़े देखीदे किए बड़दाण्डे शईगला किए से किए कौटी शईगला किए होटेल जहाँ को मिलला सी रहा किए लजे रहा किए धर्मशाला रहा किए कौट रहा कि महाप्रभु सेमती चाहते अरे ना को पहुड़ हम
ପହୁଡ଼ ହବ ନୀତି ହବ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଖି ଖୋଲାକୁ ତ ସେଇ ଆଖି ଖୋଲା ମହାପ୍ରଭୁ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଥିବେ କାଳେ କି ରାତିରେ ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବ ବାପା ତୋ ହାଲଚାଲ କ'ଣ କହ ତଥାପି ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ କି ମାତ୍ର 38 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଦିନ ରାତି ଯାକ ରହିବେ ସକାଳ ଧୂପ ପୁଣି ସେଇଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସବୁ ରଥ ଉପରେ ସେ ପୁଣି ଧୂପରେ କ'ଣ କି ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇସବୁ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଶୁଷ୍କ ଭୋଗ ଖାଇବେ ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସାରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ ସେଦିନ ଯାଉ ଯାଉ କିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରେ କ'ଣ ଘରେ ଅଛି କି ରୋଷେଇ କରି ତମେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲ କି ଯେମିତି ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା 8 ଦିନ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବା ଗାଁ ଗହଳି ଯାହା ଦେଇକି ଯାଇଥିବା ସେ ସବୁ ସରିଗଲା ତା ପରଦିନ ଗଲେ ବେଗ ଧରିକି ବଜାର ଯିବା ଯାହା ନେଇକି ଆସିବା ରୋଷେଇ ହେବ ନା ଆଉ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେ ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ସେଦିନଟି ବିଶ୍ରାମ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଗଲେ ଯଦି ରଥ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲାଗିଗଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ତାହେଲେ ତା ପରଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡିକି ଯିବେ ଯଦି ନ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ତା ପରଦିନ ରଥ ବିଡ଼ା ହେବ ଯଦି ରଥ ବିଡ଼ା ହେବ ଆଉ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ହେବେନି ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି ହେବେନି କେଉଁଦିନ ନା ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଗଲେ ତୃତୀୟା ଗଲା ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ପହଣ୍ଡି ହେଲେ ସେଦିନ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା 3 ଦିନ ପଳେଇଲା ପୁଣି ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ମହାସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି ନୀତି ସେସବୁ ହେଲା ଯାଇକି ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କର ପୁଣି ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବେ ଏତିକି ଦିନ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଖାଇ ଖାଇ ରହିବେ ଆମକୁ ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା ଓ ଅମୁକ ହେଲା ସମୁକ ହେଲା ଏସବୁ ଆମେ ଆମର ହଜାରେ ଭାଗ ବାହାର କରିବା କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନାହିଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିକି ସେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିକି ବାଉଳା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ସତରେ ବାଉଳା ଠାକୁର ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବାଇମନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବାଇମନ କହିଲେ କ'ଣ କି ସବୁଯାକରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରେମରେ ବାୟା ଭକ୍ତ ପ୍ରେମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଶୀଭୂତ ହେଇଥିବାରୁ ତେଣୁ ଭକ୍ତ ବାୟା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନା ଗୋଟେ ଭାଗବତଙ୍କ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଏକ ନଥିଲେ କଣା ସେହି ଦୁଇ ଅଭାବେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ଆଖି ନାହିଁ କଣା କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଇଏ ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପାଇଁ ସେ ଶୁଭ ପ୍ରଦାୟକ ତେଣୁକରି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାର ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଉପାସନା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ଦଶା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ନିଚରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇ କହୁନାହାନ୍ତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବାହ ଇଏ ପୁଣି ଆମେ ରାମ 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 ତିନିଥର ରାମ ରାମ କହି ରାମ ସନେହି ପୁନି କହୋ ରାମ ଲଛନ ବୈ ଦେହି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପୁରୀ ଗୋଟେ କାଠ ଉପରେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଇଏ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କମାରଶାଳରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କାଠ ଗଣ୍ଡିଟେ ତା ଉପରେ ସେ ଏ ଜିନିଷଟି ଥୁଆ ହେଇଛି ଲୁହାର କ'ଣ ହବ ଇଏ ଏଥିରେ ସବୁ ନିର୍ଗତ ଭାବରେ ଲାଗିବ ବୋଧେ ଭାଟି ଲାଗିବ ନା କ'ଣ ନା କହ ଏ କାଠ ଉପରେ ହଁ ଦେଖି ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା ଏ ତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନଟି ଇଏ ଗୋଟେ ପଥର ଯାହା ବି ହଉ ଭଲ ରାମ ମୂଳ କଥାଟି ରାମ ରାମ ଲେଖା ହେଇଛି ରାମ ରାମ ଶବ୍ଦ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଆରାମ ସହିତ ଯିଏ ଜୀବକୁ ଗତକାଲି ହଳଦୀ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଆରେ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ନଥିଲା ସତରେ ହଳଦୀ ପାଣି କଥା ଏଠି ଦାନବାକ୍ସ ଆମେ କମାରଶାଳରେ ଥିଲେ ହଳଦୀ ପାଣି କଥା କୁଆଡ଼େ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ମନକୁ ଏମିତି ବିଚଳିତ କରିଦିଅନ୍ତି ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ମନ ଥୟ କରିବାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିନା କେହୁ ପାରେ ଗତକାଲି ହଳଦୀ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଆଉ ମାତ୍ର 38 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କାହିଁ ଏତେ ଦିନ କି ଅପେକ୍ଷା କରିବ 38 ଦିନ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ଅଛି ତ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆସେ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ରଜଶଳା ବା
ହେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସେମାନେ ପୁତ୍ରବତୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଶାରୀରିକ ସୁନ୍ଦର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେ ବାଗ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବା ଦେଇକି ତୁମକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ ତୁମର ତ ସବୁ ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଛି ସେ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଶତକୋଟି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ହେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାର ପାଦେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧ୍ୟାନ କରେ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କୁ ଅଚ୍ୟୁତ କିନା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆମେ କେବଳ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିବା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଯାର ଚରଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବାହାର କେଉଁ ଜଳ ନେଇ ଧୋଇବି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପୟର ଏହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁ ଜଳ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇବି କ'ଣ କେଉଁ ଜଳ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇବା ତା ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କେଉଁ ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବା ଆଉ ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ସିନା ବାହାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କୂଅରୁ ଜଳ ନେଇକି ଧୋଉଛନ୍ତି ଯେ ଅବଶ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମିଳନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆମେ ବି ଯେତିକି ସେଇ ଗଙ୍ଗା ଆମେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିବା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅଛି କେଉଁଥିରେ ପୂଜା ହେବେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ହଠାତ୍ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବ ସିଏ ଯାହା ଧର ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବେ ଖାଲି ଏଥିରେ କାହାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସିଏ ଯାହା ନେଇକି ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କରି ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ନିଜର କିଛି ବି ଯାହା ଥିବ ଆମେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜଳ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ପ୍ରଥମେ ଜଳ ଗ୍ଲାସ୍ ସେ ଜଳ ଜଳ ଆଗ ନିହାତି ଦରକାର ତେଣୁ ଏଠି ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ଆସନ ଯାହାର କିସ ଦେବୀ ଆସନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଯାର ଘରଣୀ ତାଙ୍କୁ କି ଦେବୀ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଯାହାଙ୍କର ଘରଣୀ ତାଙ୍କୁ ବା କ'ଣ ଧନ ଦେବି ଧନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କିଣି ହେବନି ହଁ ମନ ଦେଇକି କିଣି ହେବ ତେବେ ବାବା କି ସୁନ୍ଦର ଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲାଣି 38 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ ଚକ ଗଡ଼ିବ ଘିଡ଼ି ଘିଡ଼ି ଗଡ଼େ ଚାଲି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ସେନ ରଥରେ ବସିବେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପରଠାରେ କେମିତି ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ତା ଉପରେ କେମିତି ଗୁଜ ଏବଂ ସେଠି କେମିତି ଦିଆହେଇଛି ଲୁହାର କିଳିଣୀ କିଳିଣୀ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପିସ୍ ପିସ୍ ହେଇକି କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ରଥଖଳାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଥଖଳା ପାଖରେ କାଠ ଥୁଆ ହେଇଛି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଆର ଚକଟା ଦେଖିବା ବାଃ କେତେ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଦଣ୍ଡାଟା କେତେ ବଡ଼ ଇଏ ଅଖ ଯାଇଛି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବିଶାଳ କାୟ ଦୁଇଟି ଚକ ମଝିରେ 16 ଚକ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 14 ଚକ ଲାଗିବ ତାଳଧ୍ୱଜ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ 12 ଚକ ଲାଗିବ କାହାର ନା ସୁଭଦ୍ରା ମାତାଙ୍କର ଇଏ ତ 2 ଚକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 16, 14, 12 ଟୋଟାଲ 42 ଏଇଭଳି ଚକ ଦରକାର ଆଗ 3 ଯାକ ରଥ ପାଇଁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଚକକୁ ଦେଖିବା ଚକା ନୟନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛେ ସେଇ ଚକା ନୟନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସୁନାମଧନ୍ୟା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ ଏ ଅଧମ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଉ 38 ଟିକେ ଶାନ୍ତିର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ କେବଳ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ।